मध्य प्रदेश टूरिज्म रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म को प्रमोट करता है। अभी जैसा ये कोविड के टाइम पे बहुत सारा यूनिट्स में हम लोग बिजनेस वगैरह शुरू हो गया एंड बहुत सारे पब्लिक भी हम देख रहे हैं कि दे आर गोइंग टू डेस्टिनेशन, वहाँ पे कोविड सेफ्टी और प्रोटोकॉल मेंटेन करते हुए एंजॉय कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट धीरे धीरे अपना अपना यूनिट में एक दो इवेंट हम लोग शुरू कर रहे हैं। पहले जैसा आप लोग सुना होगा कि फूड फेस्टिवल किया है, बोट फेस्टिवल किया है, ऐसा हनुमंतिया में जल महोत्सव है, ऐसा टाइप का इनिशिएटिव अभी धीरे धीरे सो दैट लोग को कोविड के बीच में कैसा टूरिज्म को भी एंजॉय कर सकते हैं, इसके लिए ये इनिशिएटिव है। आज जो इनिशिएटिव है केक मेकिंग सेरेमनी है जो हम पलाश में करेंगे। इसको अभी आप सब जानते हैं कि एंटायर फेस्टिवल सीजन आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है और बहुत सारा त्यौहार भी आ रहा है। तो उस टाइम पे जो भी यूनिट हमारे यूनिट में जो भी गेस्ट आ रहे हैं, गेस्ट के लिए ये आज जो हम इतना ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिक्स करके जो केक बनाएंगे वो हमारे गेस्ट के लिए उपलब्ध करा देंगे। एंड हमारा फ्यूचर में भी एक इंटरेस्ट में है कि हर यूनिट में हम लोग न्यू ईयर के टाइम पे कुछ छोटा छोटा फेस्टिवल्स भी करेंगे जो हमारे गेस्ट के लिए, हमारे मध्य प्रदेश के लोग के लिए या मध्य प्रदेश देखने के लिए बाहर से बहुत सारे लोग आएंगे उन लोग के लिए मध्य प्रदेश में हम कैसा एक प्रमोट कर सकते हैं, कैसा हम रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, इसको कैसा बाकी सब लोग को बता सकते हैं, इसके लिए आज एक छोटा इनिशिएटिव है। ये इनिशिएटिव आज शुरू हुआ है तो और कंटिन्यू रहेगा। हर यूनिट में एंटायर मध्य प्रदेश में पचमढ़ी में जंगल रिसॉर्ट्स में बाकी अन्य रिसॉर्ट्स में भी बहुत सारे उज्जैन, ओमकारेश्वर, खजुराहो, जितना हमारा टूरिज्म का बढ़ावा देने का पोटेंशियल है उस एरिया में इसको हम निश्चय करेंगे।